स्वागत है दोस्तों फिर से आपका एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप स्वाइप करके किस तरीके से मोबाइल गेम के अंदर प्लेयर को जंप करवा सकते हैं। तो जल्दी से ओपन कर लीजिए यूनिटी और उसके अंदर एक 3D प्रोजेक्ट बना लीजिए। 3D प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको राइट क्लिक करके यहाँ से एक 3D क्यूब ले लेना है। 3D क्यूब की पोजीशन आपको 000 कर देनी है और उसकी जो साइज है यहाँ पर मैं फिलहाल 100 कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। और क्यूब का कलर हम इसके अंदर ब्लैक करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर एक मटेरियल बना लेते हैं। मटेरियल का नाम मैंने दे दिया है ब्लैक। इसका कलर यहाँ से मैं थोड़ा सा ग्रेज कर देता हूँ और इस मटेरियल को आप डायरेक्टली यहाँ पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ब्लैक कलर का क्यूब आ गया है। अब हमें चाहिए एक प्लेयर, तो प्लेयर के लिए आप राइट क्लिक कीजिए और एक 3D स्पीयर यहाँ से ले लीजिए आप, और ये रहेगा हमारा प्लेयर। प्लेयर को अगर आपको जंप करवाना है या कोई भी फोर्स इसके अंदर ऐड करवाना है तो इसके लिए इसके अंदर रिजिड बॉडी होना जरूरी है। तो यहाँ से आप रिजिड बॉडी ऐड कर दीजिए। रिजिड बॉडी ऐड करने के बाद इसका जो रोटेशन है उसको मैं यहाँ से फ्रीज कर देता हूँ। अब एक आप जल्दी से स्क्रिप्ट बना लीजिए जिसका नाम दे दीजिए प्लेयर जंप। इसे ओपन कर लीजिए विजुअल स्टूडियो में। अब दोस्तों इसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर चाहिए होंगे। अब पैरामीटर क्या चाहिए, सबसे पहले तो जो हमने यहाँ पे प्लेयर के अंदर रिजिड बॉडी ऐड करके रखी है वो रिजिड बॉडी हमें चाहिए जिसके अंदर हम कुछ फोर्स ऐड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, एक तो रिजिड बॉडी हमें चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिजिड बॉडी RB। अब उसको कितने फोर्स से आप जंप करवाना चाहते हैं वो फोर्स भी हमें चाहिए होगा। तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, एक फ्लोट ले लेते हैं और उसको नाम देंगे जंप पावर। अब दोस्तों ये जो प्लेयर है वो जंप कब करेगा, जब आप स्क्रीन के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तब। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक तो जहां पर स्वाइप आपका शुरू हुआ है और जहां पे आपका स्वाइप खत्म हुआ है, दो पॉइंट हमें चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर 2 और लिख देंगे स्टार्ट पॉइंट, कोमा करने के बाद लिखेंगे एंड पॉइंट। तो दो पॉइंट हमें मिल गए जो एक स्टार्ट पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप स्वाइप इनपुट का इस्तेमाल कर रहे हो यानी कि टच इनपुट का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि वर्टिकल पोजिशन जो रहती है वो, ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है वो रहेगा वाई। वाई जो रहेगा वो वर्टिकल रहेगा, एक्स जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम वाई की बात करने वाले हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम एक कंडीशन चेक करवाएंगे। क्या कंडीशन चेक करवाएंगे कि इनपुट हुआ है कि नहीं। तो इनपुट डॉट टच काउंट, आप TC लिखेंगे तो टच काउंट आपके सामने आ जाएगा, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यानी कि कम से कम एक बार तो टच स्क्रीन के ऊपर होना ही चाहिए। अब उसके बाद में एक और कंडीशन साथ साथ ट्रू होनी चाहिए, क्या इनपुट डॉट गेट टच 0.phase इज इक्वल टू टच फेज डॉट बिगन। ये लाइन अगर आप लिखेंगे तो इसका क्या मतलब रहेगा, ये कंडीशन का क्या मतलब रहेगा कि टच फेज जो है वो अभी शुरू हुआ है, मतलब कि स्टार्ट वाला पॉइंट, नीचे से आप ऊपर स्वाइप कर रहे हो तो नीचे वाला जो पॉइंट है वो मिलेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टार्ट पॉइंट इज इक्वल टू इनपुट डॉट गेट टच डॉट पोजिशन। तो ये हमें मिल गई स्टार्ट की पोजीशन। तो अब एंड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, एंड की पोजीशन इसका उल्टा होना चाहिए। तो उल्टा क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे बिगन लिखा है वो यहाँ पे एंडेड होना चाहिए, मतलब कि वो जहाँ पर भी टच खत्म कर रहा है वो। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो अब हमें टच पॉइंट मिल गया है, एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट। अब दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि जो स्टार्ट पॉइंट है वो बड़ा है या एंड पॉइंट बड़ा है, तो पहले तो आपको वाई को समझना पड़ेगा कि वाई बढ़ने पर ऊपर जाता है या घटने पर ऊपर जाता है। तो इसकी पहले आप वाई वैल्यू बढ़ा के देखिए, ये देखिए बढ़ाने पर ये स्पीयर ऊपर जा रहा है और घटाने पर ये नीचे आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि नीचे वाला जो पॉइंट है वो छोटा रहता है और ऊपर वाला जो पॉइंट है वो बड़ा रहता है। तो हमें ये चेक करवाना है कि एंड पॉइंट जो है वो बड़ा होना चाहिए। नीचे की तरफ स्वाइप करने पर जंप नहीं करना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करने पर ही जंप करना चाहिए। तो चलिए हमें पता चल गया कि ऊपर वाला पॉइंट यानी कि एंड वाला पॉइंट बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन चेक करवा लेते हैं, इफ एंड पॉइंट, एंड पॉइंट की कौन सी वैल्यू हमें चेक करवानी है, वाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y greater than start point dot y, यानी कि एंड पॉइंट की y वैल्यू स्टार्ट पॉइंट की y वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए।
तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो प्लेयर जंप करना चाहिए। तो ये बात क्या हो गई, ट्रू और फॉल्स वाली बात हो गई। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर हमें एक बुलियन भी चाहिए होगा, तो हम एक बुलियन ले लेते हैं यहाँ पे और उसका नाम दे देते कैन जंप। बुलियन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहती है, तो यहाँ पे हम कर देंगे कैन जंप इज इक्वल टू ट्रू। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कि कोई भी इनपुट अपडेट करवा रहे हो या स्कोर अपडेट करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, तो ये अपडेट फंक्शन के अंदर आप कर सकते हो। लेकिन जब भी कभी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी फोर्स ऐड कर रहे हो या फिर उसके अंदर कोई भी ग्रेविटी ऐड कर रहे हो, यानी कि जब भी आप फिजिक्स के साथ खेलना चाहते हो, तो आपको फिक्स अपडेट के अंदर ही ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर एक मैसेज बना लेते हैं, फिक्स अपडेट। इसके अंदर हम एक कंडीशन चेक करवाएंगे, इफ कैन जम्प, अगर ये कंडीशन ट्रू है यानी कि अब वो जम्प कर सकता है, तो हम एक फोर्स ऐड करेंगे अपने प्लेयर के अंदर। तो प्लेयर के अंदर अगर आप फोर्स ऐड करना चाहते हो तो आपको रिजिड बॉडी के अंदर फोर्स ऐड करना पड़ेगा। और किस तरफ हम फोर्स ऐड करना चाहते हैं, ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें इसे जंप करवाना है। तो रिजिड बॉडी के लिए हमने यहाँ पे आरबी लिया है ये वाला। अब इसके अंदर हमें फोर्स ऐड करवाना है, लेकिन आरबी अभी तक हमने गेट नहीं करवाया है। तो स्टार्ट फंक्शन के अंदर हम रिजिड बॉडी गेट करवा लेते हैं। तो रिजिड बॉडी गेट करवाने के लिए आपको लिखना है आरबी इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट, और उसके बाद में आपको लिखना है रिजिड बॉडी। तो जैसे ही गेम स्टार्ट होगी ये लाइन इंप्लीमेंट हो जाएगी, तो आरबी के अंदर हम रिजिड बॉडी गेट करवा लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आरबी के अंदर हम एड फोर्स करवाना चाहते हैं। तो एड फोर्स करवाने के लिए आपको लिखना है आरबी डॉट एड फोर्स इन द ब्रैकेट वेक्टर 3, किस तरफ हमें फोर्स एड करवाना है, अप, तो वेक्टर 3 डॉट अप। तो ये तो फोर्स एड हो गई अप, लेकिन कितनी फोर्स, फोर्स की मात्रा भी तो होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इनटू, आप यहाँ पे इसकी मात्रा मान लीजिए 100 कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से 200 कर सकते हैं। लेकिन इसके बजाय अगर आप फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर जो हमने फ्लोट का इस्तेमाल किया था जंप पावर, उसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो जंप पावर है वो अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं किया है कि कितना होना चाहिए। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, जंप पावर डायरेक्टली डिक्लेयर कर देते हैं 100 F। अब देखिए ये स्क्रिप्ट आपके सामने तैयार हो गई है, अगर आप चाहे तो सीधा इसको कॉपी करके अपनी गेम के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन आपको समझने वाली बात ये है कि अगर इस वक्त आप इसके अंदर स्वाइप करेंगे तो ये जो हमारा प्लेयर हमने यहाँ पे स्पीयर बनाया है वो ऊपर 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 और बहुत ऊपर चला जाएगा। उसकी एक वजह है कि अगर कैन जंप ट्रू होगा तो रिजिड बॉडी के अंदर ये फोर्स बार बार लगातार ऐड करता रहेगा, क्योंकि कैन जंप यहाँ पर ट्रू का ट्रू ही रहेगा। तो इसको हमें यहाँ से फॉल्स भी करवाना है, तो कैन जंप हम इसके अंदर यहाँ से फॉल्स करवा देते हैं। लेकिन अभी भी दोस्तों एक और प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगी, क्या रहेगी, अगर मैं इसको बार बार स्वाइप करता रहूंगा तो ये जो हमारा प्लेयर है वो ऊपर की तरफ जाता ही रहेगा। तो हमें ये भी तो नहीं चाहिए, जब वो एक बार जंप कर ले वापस नीचे आ जाए उसके बाद में वो दूसरी बार जंप करना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो कंडीशन हमने दी है, इसके अंदर एक और कंडीशन हम चेक करवा लेते हैं। तो एक और कंडीशन एक ही साथ लिखने के लिए आपको लिखना है एंड एंड, दो बार एंड की साइन लिखनी है और आपको चेक करवाना है आरबी डॉट वेलोसिटी डॉट वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि इसके अंदर कोई भी वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, आरबी के अंदर कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए वाई वैल्यू के अंदर। अब दोस्तों आ जाइए यूनिटी पर। यूनिटी पर आ जाने के बाद आपको क्या करना है, फाइल के अंदर जाना है और बिल्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। बिल्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो पीसी मैक एंड लिनक्स लिखा हुआ है वहां पर यूनिटी का लोगो है, इसका ये मतलब हुआ कि ये इस वक्त एक्टिव है। लेकिन हमें प्लेटफॉर्म स्विच करवाना पड़ेगा एंड्रॉइड के ऊपर। एंड्रॉइड को आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में स्विच प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही प्लेटफॉर्म स्विच हो जाएगा तो ये सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि अब हमारा प्लेटफॉर्म स्विच हो गया है। अब दोस्तों आपको अपने मोबाइल को पीसी के साथ कनेक्ट करना है और उसके बाद में आ जाना है आपको सेटिंग में। सेटिंग में आ जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ जाना है
डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ जाने के बाद आप इसको ऑन कर दीजिए और उसके बाद में यूएसबी डिबगिंग आप ऑन कर दीजिए। उसके बाद में आप अपना यूनिटी रिमोट 5 ओपन कर लीजिए और अब एडिट के अंदर आ जाइए। एडिट में आने के बाद आपको प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के बाद एडिटर के ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर जहाँ पर डिवाइस के सामने नन लिखा हुआ है आप कर दीजिए एनी एंड्रॉइड डिवाइस और इसको आप क्लोज कर दीजिए। अब आप जैसे ही यहाँ पे प्ले करेंगे तो यही चीज आप अपने मोबाइल स्क्रीन के अंदर भी देख सकते हैं। तो जैसे ही आप इस गेम को प्ले करेंगे वही गेम आपके मोबाइल के अंदर भी प्ले हो जाएगी और मोबाइल के अंदर जो कुछ भी इनपुट दोगे वो आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे। अब हमारे प्लेयर के अंदर ये वाली स्क्रिप्ट हमें ऐड कर देनी है। ये स्क्रिप्ट हमने ऐड कर दिया, उसके बाद में हम इसको यहाँ से प्ले कर देते हैं। लेकिन प्ले करने के बाद जैसे ही आप एक बार इसको स्वाइप करोगे तो ये बार बार जंप करता रहेगा। ये देखिए मैंने एक बार स्वाइप किया है लेकिन ये बार बार जंप कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमने स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दिए थे उसको आपको वापिस जीरो करवाना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है एंड पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर 2.0 और वही चीज आपको स्टार्ट पॉइंट के अंदर भी करनी है। स्टार्ट पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर 2.0। वेक्टर 2.0 का मतलब क्या हुआ कि x, y और z तीनों की वैल्यू ये 0-0 कर देगा। अब इसको आप सेव कर लीजिए और वापस चलते हैं यूनिटी के ऊपर, फिर से एक बार प्ले करके देख लीजिए। अब आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए एक बार स्वाइप करने पर एक ही बार जंप कर रहा है लेकिन इसकी फोर्स मुझे कुछ कम लग रही है। तो कम लग रही है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस यहाँ स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा और उसकी वैल्यू यहाँ से आपको बढ़ानी पड़ेगी जो हमने यहाँ पे 100 वैल्यू देके रखी थी जंप पावर की। तो उसकी बजाय मैं क्या करना चाहूंगा, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ और जंप पावर जो है उसको मैं पब्लिक डिक्लेयर कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से सेव कर लिया। अब क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर आपको एक स्लॉट मिल जाएगा जिसके अंदर आप वैल्यू डाल सकते हो। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 200 डाल दिया और इसको मैंने प्ले करके देख लिया लेकिन अभी भी कुछ मुझे यहाँ से इसकी फोर्स कम लग रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी 500 वैल्यू कर देता हूँ और उसके बाद में मैं इसको वापस प्ले करता हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये स्लॉट आ जाने से आपका काम आसान हो जाता है, आप सीधा यहीं से इसकी वैल्यू कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो जो जंप हम स्पीयर को करवा रहे हैं वही आप किसी भी मॉडल को करवा सकते हैं। तो मैंने कुछ मॉडल यहाँ पे डाउनलोड करके रखे, मैंने इसको यहाँ पे उठा के ले लिया और इसके अंदर मैंने रिजिड बॉडी ऐड कर दी और उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको कोलाइडर भी ऐड कर देता हूँ। अब इसी के अंदर ये जंप वाली स्क्रिप्ट हम ऐड कर देते और इसको जंप पावर यहाँ से मैं दे देता हूँ 300। अब इसे प्ले करके देख लेते हैं। स्पीयर के अंदर 500 पावर है इसलिए वो ज्यादा जंप करेगा, इसके अंदर 300 पावर है इसलिए वो कम जंप करेगी। तो चलिए इसे मैं जंप करवा के देखता हूं। ये देखिए तो दोस्तों इस तरीके से आप स्वाइप करके प्लेयर को जंप करवा सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आप आए हो तो सब्सक्राइब करके इस परिवार के साथ जुड़ जाइए जिसका नाम है द लर्निंग गेम। दोस्तों अगर आप कहीं पर भी अटक जाते हो और आपको मेरी मदद की जरूरत है तो आप चार तरीके से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पहला तरीका, आप YouTube के अंदर कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका, आप Instagram के अंदर डायरेक्टली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तीसरा तरीका, जो हमने Facebook ग्रुप बनाया है उसके अंदर आप एक पोस्ट डाल दीजिए। चौथा तरीका, आप डायरेक्टली मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।